बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने इस सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड सोसाइटी को शुरू किया है, जो कि जीसी की करिकुलम से हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ। तो आज इसका लेक्चर नंबर 10 है, जिसका उन्वान है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या है, तो आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सेकेंड स्लाइड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी? प्राइवेसी इज समवन राइट्स टू टेल आर नॉट टू टेल समवन देयर इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी ये होती है कि किसी की पर्सनल राइट होती है, कि किसी को बताना है या किसी के साथ शेयर करना है या नहीं। दे आर देयर इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम बीइंग सीन बाय समवन एल्स। उनको ये राइट है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करे या ना करे। एवरीवन हैज अ मॉरल राइट टू प्राइवेसी। जैसे कि आपको पता है कि ये मॉरल यानी बुनियादी हक है, प्राइवेसी हर बंदे की, एज वेल एज लीगल राइट। और ये कानूनी भी हक है टू प्राइवेसी विद इट कम्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की, आप लोगों के साथ शेयर करें या ना करें, आपका बुनियादी हक है। व्हेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज आस्क्ड इट कैन डू डिट्रीमेंटल हार्म टू समवन। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए कोई भी, तो ये मतलब हाँ मैं एक मतलब नुकसान है किसी को, बोथ पर्सनली एंड फाइनेंशियली। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जाती तौर पे भी और फाइनेंशियली तौर पे भी किसी को हार्म करना इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी के खिलाफ है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और ये हालात पर मबनी होती है। टू प्रोटेक्ट अ पर्सन इन्फॉर्मेशन सर्टेन मेजर हैव बीन पुट इनटू प्लेस। अच्छा, अब पर्सनल की इन्फॉर्मेशन को कैसे जो है ना बचाया जाए, तो इसके लिए कुछ इन्होंने अवामिल बनाए हुए। वन सच मेजर इज दैट इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी आल्सो नोन एज डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी इसको कहते हैं जब आपने इन्फॉर्मेशन क्रिएट की हुई, आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी है, और अगर आप इसको मतलब छुपाए तो इस चीज को क्या कहती है, डेटा प्राइवेसी कहती है। डेटा प्राइवेसी इज ब्रॉड टर्म एंड इज स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल सिस्टम दैट यूटिलाइज इट। डेटा प्राइवेसी ये है कि गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए आपने इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा हो तो उसको यूटिलाइज करें। द गोल ऑफ डेटा प्राइवेसी इज टू मेक श्योर दैट अ पर्सनस पर्सनल फाइनेंशियल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन स्टे प्राइवेट एंड इज प्रोटेक्टेड बाई वेरियस मीन। और इससे मुराद ये कि इंसान की जो भी पर्सनल फाइनेंशियल हो या मेडिकल इंफॉर्मेशन हो, उनके पास ही होना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ शेयर किया जाए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। दो किस्म के जो इंफॉर्मेशन होते हैं प्राइवेसी के जुमरे में आ जाती है। एक है आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन यानी जिसकी शनाख्त की गई, एक है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको छुपाया गया हो। दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय डेटा प्राइवेसी। और इनको छुपाने के लिए डेटा प्राइवेसी का हर बार इस्तेमाल किया जा सकता है। द टू टाइप्स ऑफ डेटा आर इन ट्रांजिट एंड डेटा एट रेस्ट। मतलब कुछ डेटा की भी टू टाइप्स है, एक है डेटा इन ट्रांजिट और डेटा इन रेस्ट। और डेटा हैज द एबिलिटी टू मूव एंड फ्लो। जैसे कि आपको पता है कि डेटा का काम है आगे बढ़ना। डेटा इन ट्रांजिट इज डेटा दैट इज करंटली बीइंग यूज्ड। डेटा का काम क्या है कि इसको यूटिलाइज करें। डेटा इज ए रेस्ट इज दैट इज नॉट एक्चुअली बीइंग यूज्ड। और कुछ डेटा ऐसा होता है कि उसको एक्चुअली इस्तेमाल ना किया हो। डेटा प्राइवेसी अप्लाइज टू मैनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेटा प्राइवेसी क्या चीज़ है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में इसकी नेचर मुख्तलिफ होती है। बट ईच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट डेटा डिफरेंटली। हर ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है ना इस डेटा को मुख्तलिफ तरीकों से डील करते हैं। द मेथड ऑफ डेटा रेगुलेशन इज स्पेसिफाइड थ्रू डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज दैट आर आउटलाइन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेयर टू प्रोटेक्ट पीपल इंफॉर्मेशन। और काम क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेटा को स्क्रीन पे शेयर करते होते हैं, डेस्कटॉप पे ले आते हैं या वेबसाइट पे। कुछ लोगों ने जो ना क्लासिक प्लेटफॉर्म में इसको प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी की या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलिट्री ऑपरेशन से, तो उसको पब्लिक नहीं किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के जमरे में आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। लाइब्रेरीज का क्या काम है? इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इन लाइब्रेरीज इज एसेंशियल फॉर अपहोल्डिंग यूजर राइट। लाइब्रेरी का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए और लोगों के राइट्स को बचाया जाए। प्रिजर्विंग इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, जो भी इंटेलेक्चुअल आज़ादी है उसको प्रिजर्व करना एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन लाइब्रेरी सर्विसेज। ट्रस्ट बिल्ड करना ठीक है लाइब्रेरी में, और ताकि ये इसकी वायलेट ना, बाय इंप्लीमेंटिंग रूबस प्राइवेसी प्रोटेक्शन एनफोर्सिंग कल्चर प्राइवेसी अवेयरनेस एंड कंप्लायंस। लाइब्रेरीज कैन इफेक्टिवली प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी व्हाइल फुलफिलिंग देयर मिशन टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। देयर आर सम की कंसिडरेशन एंड
प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इन लाइब्रेरीज। कुछ ऐसे अवामिल जो कि लाइब्रेरी में कारामद है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के हवाले से, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो असूल है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ यूजर रिकॉर्ड। लाइब्रेरी का काम क्या है? लाइब्रेरीज अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बाय इंश्योरिंग दैट यूजर्स बॉरोइंग रिकॉर्ड। जैसे कि आपको पता है कि यूजर रिकॉर्ड को बोरो करते होते, चाहे बुक फॉर्म में हो, चाहे या रेफरेंस इंक्वायरीज करते हैं या अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन आर गिफ्ट कॉन्फिडेंशियल एंड नॉट डिस्क्लोज टू थर्ड पार्टीज विदाउट यूजर कंसेंट। मिसाल के तौर पर 30 चीजें आपकी लाइब्रेरी में आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि वो यूजर की राइट है और उस रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करना लाइब्रेरी का हक। हाँ। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्शन पैटर्न कॉन्फिडेंशियलिटी इन बोथ फिजिकल एंड डिजिटल फॉर्मेट। दोनों का हक हाँ जो है ना लाइब्रेरी के पास है, चाहे फिजिकल फॉर्मेट में रखना चाहते हैं या डिजिटल फॉर्मेट में। डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। लाइब्रेरीज इंप्लीमेंट मई टू सेफ गार्ड यूजर डेटा एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। जैसे कि आपको बताया क्या कि कुछ डेटा सेंसिटिव होता है, वो लाइब्रेरी इसकी अनऑथराइज एक्सेस नहीं डिस्क्लोजर और मिस यूज ना मिस यूज करते ना इसको जाहिर करते। दिस इंक्लूड यूजिंग सिक्योर सिस्टम फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर रजिस्ट्रेशन डेटा एंड सर्कुलेशन रिकॉर्ड एंड रेगुलरली अपडेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टू एड्रेस इमर्जिंग थ्रेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी का काम है यूजर्स के डेटा को महफूज करना, इसमें फोन नंबर ईमेल वगैरह, तो उसका रिकॉर्ड प्रोटेक्ट करना ये लाइब्रेरी की बुनियादी हकूक में से एक हक है। प्राइवेसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। लाइब्रेरी इस्टेब्लिश क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट प्राइवेसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इन्फॉर्म यूजर अबाउट हाउ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड यूज एंड प्रोटेक्टेड। यूजर्स को ये भी बताया जाता है कि आपके इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं और उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। दिस पॉलिसीज एड्रेस इश्यूज सच एज डेटा रिटेंशन एक्सेस कंट्रोल एंड यूजर कंसेंट्स एंड आर रिकमेंडेड या कम्युनिकेटेड टू यूजर थ्रू लाइब्रेरी वेबसाइट्स साइनेज एंड इंफॉर्मेशन मटेरियल। मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी और प्रोसीजर के लिए। एनोनिमस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर यूजर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एनोनिमसली। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसकी जो ना रिकॉर्ड मौजूद टाइटल वगैरह से नहीं आती कि किसने प्रोड्यूस की, भी सब टाइटल आ जाता है, तो वो इनकी रसाई भी लाइब्रेरी फराहम करती है विदाउट रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। दिस प्रमोट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड प्रोटेक्ट यूजर्स प्राइवेसी राइट्स पर्टिकुलरली फॉर सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक। इस किस्म के टॉपिक के लिए लाइब्रेरी एनोनिमस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फराहम करती है। मिनिमाइज अप डेटा कलेक्शन। मिनिमाइज अप डेटा कलेक्शन। लाइब्रेरीज कलेक्ट ओनली द मिनिमम अमाउंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड फुलफिल यूजर रिक्वेस्ट। दे अवॉइड अननेसेसरी डेटा कलेक्शन प्रैक्टिस दैट कुड कंप्रोमाइज यूजर प्राइवेसी और सिक्योरिटी एंड रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्राइवेसी रेगुलेशन। जैसे कि आपको बताया गया कि लाइब्रेरी का काम है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मिनिमम लेवल पर रखना ताकि इसकी जो ना वायलेशन ना हो जाए। अगली जो स्लाइड है वो है यूजर कंसेंट्स एंड ऑप्ट इन मैकेनिज्म। लाइब्रेरीज ऑप्ट ऑब्टेन यूजर कंसेंट बिफोर कलेक्टिंग। जब आप से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो आपकी जो है ना रजामंदी जरूरी है। आर शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर पर्पस बियॉन्ड यूज इज फॉर लाइब्रेरी ऑपरेशन। वो इंफॉर्मेशन शेयर करती है जो लाइब्रेरी के ऑपरेशंस के बराकस। दे प्रोवाइड क्लियर एंड प्रोमिनेंट ऑफ इन मैकेनिज्म फॉर यूजर टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग द यूज ऑफ डेटा एंड रिस्पेक्ट यूजर चॉइस रिगार्डिंग डेटा शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन प्रेफरेंस। लाइब्रेरी का काम यूजर कंसेंट्स के बगैर नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं ऑप्ट इन मैकेनिज्म। स्टाफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। लाइब्रेरी प्रोवाइड ट्रेंड एंड रिसोर्सेज टू लाइब्रेरी स्टाफ टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंफॉर्मेशन प्राइवेसी प्रिंसिपल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। डेवलप्ड कंट्री में जितनी लाइब्रेरी है वो स्टाफ को ये इसकी बात की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि प्राइवेसी पॉलिसी या इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या है, इसकी प्रिंसिपल यानी असूलों को मद्देनजर रखते हुए फिर डिसीजन लेते हैं। दिस इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑन हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उसको ये भी बताया जाता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करें, रिस्पॉन्डिंग टू प्राइवेसी इंक्वायरीज एंड कंप्लाइंग विद रिलेवेंट प्राइवेसी लॉज एंड रेगुलेशन। और लॉज एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए स्टाफ की ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलर रिक्वायरमेंट। लाइब्रेरीज एडहियर टू एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेसी सच एज दी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन राइट एक्ट। राइट है जो कि लाइब्रेरी को दी गई है डेवलप कंट्री में, वो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR एंड फैमिली एजुकेशन राइट एंड प्राइवेसी एक्ट एक और एक्ट है एंड दी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स। दे मेंटेन कंप्लायंस विद दीज रिक्वायरमेंट थ्रू ऑनगोइंग मॉनिटरिंग असेसमेंट एंड एडाप्टेशन ऑफ प्राइवेसी प्रैक्टिसेस। लीगल राइट भी लाइब्रेरी को दी गई कि इस डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे शेयर करते हैं, उसका कैसे
एक तरीका का डेवलप्ड कंट्री में बतलाया गया, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज इस पर अमल पैरा नहीं है और ना इसकी रेगुलेशन का ख्याल रखते हैं। बहुत कम लाइब्रेरी हैं, चाहे जो कि अदालतों की लाइब्रेरी या कोर्ट कचहरी की या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं करते। तो अगर इस रूल से इस एक्ट के तहत वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। आखिरी स्लाइड है, यूज द राइट्स एंड रिमेडीज। प्राइवेसी रिस्पेक्ट यूज द राइट टू एक्सेस करेक्ट और डिलीट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर यूजर टू एक्सरसाइज दीज राइट। दे आल्सो एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर एड्रेसिंग यूजर कंप्लेंट्स और कंसर्न रिलेटेड टू प्राइवेसी ब्रीचेज आर वायलेशन एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू इन्वेस्टिगेट एंड एड्रेस सच इंसिडेंट। यूजर राइट्स एंड रिमेडीज इन्होंने ये बनाई हुई थी, मिसाल के तौर पर यूजर को कम चीजों की एक्सेस दी, अगर उस रूल्स को वायलेट करते तो फौरन उसी की मेंबरशिप को खत्म कर देते। एडुकेशन फॉर प्राइवेसी राइट, लाइब्रेरी एडुकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी राइट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इन सोसाइटी। दे एंगेज इन पब्लिक एजुकेशन पॉलिसी एडुकेशन एंड कोलेशन बिल्डिंग एफर्ट्स टू रेट अवेयरनेस अबाउट प्राइवेसी इश्यूज एंड प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्टिव मेजर बाय गवर्नमेंट बिजनेसेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स। एडुकेसी लाइब्रेरी का काम है एडुकेसी करना प्राइवेसी राइट्स के लिए, और उसमें कौन से आते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या गवर्नमेंट के इदारे होते हैं या स्टेक होल्डर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है इसकी राइट्स को लाइब्रेरी अच्छी तरह जो है ना प्रिजर्व करती है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर थोड़ी सी डिफिकल्ट थी लेकिन आपको आसान हो गई होगी। मैंने तो कोशिश की इसको मिनिमम और आसान बनाया जाए। आई थिंक सो, अगर आपको ये पसंद आई होगी तो आपसे दरख्वास्त है आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। वमा अलैना अल बला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।